प्रिपरेशन करके आए कुछ आप फॉर्मेट तो पता होगा हमारे आप एक प्रोग्राम उन्होंने कहा था जी होस्ट करने और पोइट्री जी और कुछ जनरल नॉलेज ठीक है प्रोग्राम से आगाज कर दे कैमरे पे नाज़रीन प्रोग्राम लम्हा फिक्रिया के साथ रशीद राना वक्त न्यूज़ से हाजिर खिदमत है। जब कोई कौम फर्द या हुक्मरान तबका दुनियावी ताकत के मुतकब्बिराना एहसास में मुबतला हो जाए तो अखलाकी और इंसानी अकदार से बेनियाज हो जाता है। फिरौन और नमरूद तारीख में ऐसे ही किरदार हैं जो खुदा बन बैठे थे लेकिन ज़िल्लत और रुसवाई से हमकिनार हुए। अज़ीज़ान गिरामी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन फिरौन और नमरूद की मिसालें दी जाती हैं। दौरे हाज़िर में तारीख ने यह किरदार अमरीका और उसके इत्तेहादियों को सौंप दिया है और उसका हदफ तकसीम शुदा उम्मत मुस्लिमा है। वो मुसलमानों के मादी और मादनी वसाइल पर कब्ज़ा करने के लिए जारहाना मुहिमजोई का एहसास कर आगाज़ कर चुका है। सलूशन बताएं तमाम सलूशन। अगर आलम इस्लाम ने मुत्तहिद होकर इन तमाम कुव्वतों के ख़िलाफ़ जो आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो चुकी हैं और ख़ुसूसन अमरीकी जारहियत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर कोशिशें ना की तो ख़तरा ये है कि ना सिर्फ मशरक़ वुस्ता बल्कि आलम इस्लाम में जहाँ भी ममालिक हैं या जहाँ भी मुसलमान कोई सांस ले रहा है उसकी ज़िंदगी को उसके लिए जीरन कर दिया जाएगा। शेर अदब से कोई लगाव है सर आप जैसा आप पसंद फिर मैं अगर कहें तो मैं आपको फैज़ अहमद फैज़ गा के भी सुना सकता हूँ। नहीं गा के नहीं तहतुल लफ्ज़ ही हम तहतुल सुन ले। कब याद में तेरा साथ नहीं कब हाथ में तेरा हाथ नहीं सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई बात नहीं। अगर मुश्किल हैं अगर हालात वहाँ दिल बेच आए जहाँ दे आए दिल वालों कूचाए जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं। और जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है ये जान तो आनी जानी है इस जान की तो कोई बात नहीं। और मैदान वफा दरबार नहीं या नामो नसब की पूछ कहाँ आशिक तो किसी का नाम नहीं कुछ इश्क किसी की जात नहीं। और किसी शायर का आता है कोई कलाम गालिब सुना देते हैं आप गालिब सुनाइए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। और निकलना खुल्द से आदम का तो सुनते आए हैं लेकिन बहुत शेर गलत गालिब को नहीं पढ़ सकते आप फिर से पढ़े इसको। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। समझ आ गई कहाँ गलती थी। हाँ तो मैंने ऐड कर दिया था आप इंतजार कीजिए थोड़ी देर में आपको अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम बर वक्त में आपका मेज़बान इकबाल नूर आपके सामने मौजूद है। नाज़रीन पिछले 6 साल से पाकिस्तान में एक बहुत सारे मसाइल के साथ साथ एक मसला तवनाई का बहरान बहुत शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तवनाई का बहरान यूँ तो हमारे सर्दियों के मौसम में भी रहता है लेकिन सर्दियों में महसूस इसलिए नहीं होता कि गर्मी नहीं होती और चूँकि पसीने नहीं आते और उस जिसकी वजह से जो है ना वो महसूस नहीं होता लेकिन बहरहाल सर्दियों में सनत और तिजारत पर फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। इसी वजह से जैसे ही गर्मी आती है तो पूरे पाकिस्तान की 18 करोड़ आवाम के जितने भी दिमाग के खुलिए हैं वो सारे हिलना शुरू हो जाते हैं कि इस मरतबा फिर गर्मियाँ आ रही हैं। और एक बात तो और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज से पहले कुछ वज़ीर आज़म का कहना था कि हर घंटे बाद लोड शेडिंग होगी हर घंटे बाद यानी 24 घंटे में से 12 घंटे। तो जब मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत संभाली थी तो राजा परवेज अशरफ ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का एतराफ़ किया था कि 31 दिसंबर 2009 तक इसको ख़त्म कर दिया जाएगा लोड शेडिंग को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन जो जो वक्त गुजरता रहा वैसे वैसे तू ये मसाइल बढ़ते ही चले गए और आज अलमिया ये है कि अब तो तारीख भी कोई नहीं देता और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या मुख्तलिफ तकारीब में जब सहाफ़ी वज़ीर आज़म से या मुतलका हुकाम से जब इस हवाले से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि डैम्स की तामीर अभी शुरू होने वाली है बादशाह डैम बनेगा काला बाग डैम बनेगा लेकिन वो डैम कब बनेंगे।
हम दावे से कहते हैं कि तीन दिन के लिए सब सर जोड़कर बैठ जाएं और खुलूस नियत के साथ अपने जाती मफादात को निकाल कर बाहर फेंक दें, तो हम दावे से कहते हैं कि तीन दिन के अंदर इस मसले का हल तो नहीं हो सकता लेकिन तब्दीली का आगाज हो सकता है। शायरी से कोई ताल्लुक है? जी सर, मैंने एक नज़म भी कही है। और आप अपनी नज़म पर बाद में आइए, पहले ये बताइए कि मीर, गालिब, इकबाल, फैज़, इनमें से किसी का कलाम आता हो या मिंटो पीटर्स बुखारी का कोई एक्सट्रैक्ट आप पढ़ सकते हो या आप रिकॉल कर सकते हो? सर इनके अशार तो आते हैं लेकिन पूरी नज़म नहीं। कोई अशार सुना दें। जी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कुछ और कोई शेर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अच्छा, आपको किसी और शायर का कोई कलाम? जी, जावेद अख्तर का सर बने। जी जी, वो बताएं ना फिर आप तैयार क्या है। जी जी, कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है। खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएँ हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएँ हैं, खोई हुई सी अब सारी निशाएँ हैं। जागी उमंगे हैं, धड़क रहा है दिल, आँखों में तूफा है, होंठों पे नगमे हैं, नगमों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं जब कोई आया था, नज़रों पे छाया था, दिल में समाया था। कैसे मैं बताऊँ तुम्हें कैसा उसे पाया था, प्यार से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फें तो ऐसा लगता था जैसे गोहर के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है। आपको पाकिस्तान में कोई शायर ऐसा नहीं लगा जिसकी किसी चीज़ को याद किया जाए? अहमद अदीम कासमी ने कितनी खूबसूरत नज़में कहीं, आपको याद करने की तौफीक नहीं हुई या मौका नहीं मिला? सर पोइट्री से बहुत ज़्यादा ये लगाओ तो मुझे समझ आ रहा है, जो आपको इतनी तवील नज़म उसी तमाम एक्सप्रेशंस के साथ उसी ऊंच नीच के साथ याद है, लेकिन खुदारा पाकिस्तान में कोई ऐसा शायर नहीं था। अब मैं आपको एक नज़म सुनाता हूँ अहमद अदीम कासमी की, पत्थर उसका अनवान है कि रेत से बुत न बनाया मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूँ। कौन से रंग का पत्थर तेरे काम आएगा, सुर्ख पत्थर जिसे दिल कहती है बेदिल दुनिया, या किसी आंख का पथराया हुआ नीला पत्थर जिसमें सदियों के तहय्युर के पड़े हों डोरे। एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है मगर हाथ में तेशाए जर्ब हो तो वो हाथ आता है, रेत से बुत ना बना है मेरे अच्छा। कैसा कैसा कलाम पाकिस्तान में नहीं कहा गया है, आप लोगों को ये याद करने की तौफीक क्यों नहीं होती? सर मैं बहुत पहले से तैयारी कर रहा था और मेरी जो लाइफ है ना वो बड़ी नहीं, तो मैंने ज़मनन सच कोट्स यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जो है ना मैं बिल्कुल वर्किंग में होता हूँ। ऐसे ही बंदे को तो याद रहती हैं चीज़ें जो लेजर लाइफ गुजारते हैं उन्हें कहाँ याद रहता है। एक हफ्ते पहले मुझे कॉल आई थी, उससे पहले मैं जो तैयारियाँ कर रहा था ना तो मैं उसको कैरी रखा कि भाई जाके मैं परफॉर्म करूँगा अगर जजेस को कुछ अच्छा लगा। ये जो आपने नाज़िम पढ़ी है जावेद अख्तर साहब की, आप ने सुनी भी होगी? जी, गाया भी है इसको? जी हाँ, बरितला ये इसने शंकर ने गाया। शंकर ने गाए में तो आप गा सकते हैं थोड़ा सा हमारे लिए? हाँ जी बिल्कुल, सुनाएं। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरका है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं, खोई हुई सी अब सारी निशाएं हैं, जागी उमंगे हैं, धड़क रहा है दिल, आंखों में तूफान है, होंठों में नगमे, नगम बीते हुए सारे वो लम्हे हैं जब कोई आया था, नजरों पे छाया था, दिल में समाया था। कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था, प्यार से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे तो ऐसा लगता था जैसे गोहरी के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे प्यार के पर्दे में एक सवेरा है, रोशन रोशन अच्छा। आंखों में सपनों का सागर जिसमें। जी सर, जनरल नॉलेज के हवाले से कुछ तैयारी की है आपने जैसे आपको बताया गया था? जी हाँ। अच्छा, तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि कौन है अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर? हुसैन अफगानी। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर हैं अब्दुल हफीज शेख। ठीक है, और पानी और बिजली का चार्ज किसके पास? सैयद नवीद कुमार साहब के पास। ठीक है, ठीक है। और फैज़ साहब का आप कौन सा कलाम याद करके आए थे जो आपने हमें सुनाना था? यकीन है कहता यकीन कर लो, चमन में उतरेंगी फिर बहारें, कि नफरतों का हिसाब होगा
خزاں کا خانہ خراب ہوگا، یقین ہے کہتا یقین کر لو، یقین کی باتوں کو رد نہ کرنا۔ پہلے ایپیسوڈ میں بھی سنائی تھی؟ جی ہاں سر، یہ پہلے ایپیسوڈ میں سنائی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے ہارون، اگر آپ سلیکٹ ہوتے ہیں ایک بار نوٹ سر، ہاں اگر آپ سلیکٹ ہوتے ہیں تو پھر ملتان ظاہری بات ہے آپ کو کچھ لاہور میں قیام کرنا پڑے گا۔ سر میں میری پوری زندگی جو ہے نا وہ سفر میں گزرتی سر، میں آج سے تین دن پہلے بھی ایک صحرا میں پوری ایک رات گزاری، میں ایڈونچر پسند ہوں اور خطرات سے کھیلنا اور خطروں میں رہنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ نہیں یہاں لاہور میں کوئی خطرہ نہیں ہے؟ نہیں لاہور میں یہ یعنی کہ میں رہ سکتا ہوں، ایک ہفتہ پندرہ دن رہ سکتا ہوں۔ تو نور اگر ایک آج آپ کی زندگی میں کچھ آپ کی زندگی کو ایکچولی پر نور بنانے کا سبب بن سکتا ہے تو پھر آپ یہ کاٹ دیجیے۔ ویل ڈن۔ کنگریچولیشنز۔ تھینک یو۔ کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا۔ اتنے ٹائم لگایا اپنے اندر، کیا سوال جواب ہو رہے تھے؟ پہلے جب میں گیا تھا انہوں نے بتایا کہ آپ نے کوئی پروگرام تیار کیا، تو میں نے کہا جی، جس وقت مجھے کال آئی تھی تو اس وقت میں بائک پر تھا، تو مجھے نہیں پتا چل سکا کہ پروگرام بھی کرنا ہے تیار، البتہ شاعری اور دوسری چیزیں تیار ساری ہی ہیں میں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس 10 منٹ آپ پروگرام کوئی تیار کر کے آئے، تو پھر میں توانائی کے بحران پر ایک بس خاکہ تیار کیا اور بس اندر چلا گیا۔ میں نے آپ کا سولوشن سنا تھا، بہت اچھا تھا۔ تھینک یو۔ میرے خیال میں ججز اس بات سے بہت زیادہ امپریس ہوئے تھے۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔ اور اب آپ ٹاپ 15 میں ہیں، تو آپ کے اوپر مطلب ذمہ داری بہت زیادہ ہوگی، بہت محنت کرنی پڑے گی۔ بڑی طاقت ملتی ہے تو بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور۔ تھینک یو سو مچ، کنگریچولیشنز۔ جی ویئرز، تو فائنلی ہمارے ججز نے یہاں پہ ہمارے میل کنٹیسٹنٹ، پہلے میل کنٹیسٹنٹ کو ریڈ کارڈ دے دیا ہے اور بہت خوشی خوشی اپنے گھر کو چلے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ویٹ کریں ان کو ریڈ کارڈ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔